वालिदैन की क्या अहमियत है। कुरान में एक आयत है माँ बाप के साथ एहसान। अभी एहसान आप सोचेंगे एहसान करना, किसी के ऑब्लाइक कर देना, किसी के साथ एहसान कर देना, लेकिन कुरान की टर्मिनोलॉजी में एहसान का मायना वसी है। इट्स अ बिग डिफरेंस एज़ कम्पेयर टू उर्दू। एहसान का मतलब होता है एक्सीलेंट। कुरानिक टर्मिनोलॉजी में एहसान का मायना होता है एक्सीलेंट, नॉट गुड। आप अपने माँ बाप के साथ कैसे हैं मैं पूछूंगा तो कहेंगे गुड, राइट, वेरी गुड। अल्लाह फरमाते एक्सीलेंट। दिल में शायद ख्याल आएगा सर एक्सीलेंट कैसे हो सकते हैं माँ बाप के साथ, राइट। प्रायोरिटी देनी चाहिए माँ बाप को। एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आप कुरान पढ़ रहे हैं या आप अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं और आपकी माँ आपको बुलाएगी, आप जाओगे ना अहमद, तब क्या बोलोगे? यस मॉम, अम्मा आया, क्या बात है? भागेगे नहीं भागोगे? इज इट गुड और एक्सीलेंट? यस, एक्सीलेंट। इज इट एक्सीलेंट? अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो और आपकी मम्मी ने बुलाया एग्जाम है कल, मम्मी ने बोला बेटा जा नीचे जरा बिस्किट लेकर आ, आप बोले हाँ मम्मा मैं लेकर आता हूँ, इज इट गुड और एक्सीलेंट? एक्सीलेंट। ओके, अभी इम्तिहान होगा, आप देख रहे हो फुटबॉल की मैच और वर्ल्ड कप फाइनल्स, कौन जीतेगा कौन हारेगा पता नहीं, या क्रिकेट की मैच कोई देख रहा है, फाइनल ओवर्स है 20-20 और मैच खत्म होने की तैयारी है, कौन जीतेगा कौन हारेगा पता नहीं, और मम्मी बोलेगी अहमद नीचे से तेल लेकर आ। क्या बोलोगे मामा? थोड़ी देर के बाद, 2 मिनट के बाद क्या बोलोगे? 2 मिनट के बाद 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ तो एक्सीलेंट किधर हो गया? अभी बुक खोल के तो भागे, यार मैथ्स पढ़ रहे, कौन एक्सीलेंट काम करने जा रहा हूँ करके माँ ने हुक्म दिया तो भागे, लेकिन जब एग्जाम आ गया अल्लाह ने आपको एग्जाम में बिठा दिया, मैच देख रहे हैं और माँ ने कहा बेटा इधर आता, बोलेगा मामा 1 मिनट ना, अलग अलग रिएक्शन हो सकता है आपका। उफ, फेल हो गए। उफ, कुरान कहता है उफ कर दिया तो 0, डी ग्रेड, फेल हो गया। और हो जाता है उफ ममा तुम भी ना, 2 मिनट नहीं रुक सकते थे, ओहो तो और -0 में चला गया। ये बोलेगा मामा प्लीज थोड़ी देर के बाद, तो भी एक्सीलेंट नहीं हुआ, गुड फेयर। लेकिन एक्सीलेंट के लिए यस मामा मैं हूं ना, क्या बात है मामा, अब भी जाता हूं, और मैच का क्लाइमेक्स छोड़कर वो भागा। दिस इज कॉल्ड एक्सीलेंस विद पेरेंट्स।